नमस्ते सभी को सभी का हिंदी सेशन में स्वागत है तो आज हिंदी सत्र में चंद्रशेखर भैया की शेयरिंग से शुरू करते हैं मैं भैया का परिचय रख देती हूँ चंद्रशेखर भैया सोपाल सोपाल बिहार से है और भैया का यूएचवी से जुड़ना अक्टूबर 2018 में हुआ है और तब से भैया यूएचवी को समझने और जीने का प्रयास कर रहे हैं और भैया ने दो सार सत्र भी अटेंड किए हैं और तीन रीजनल वीकली मीटिंग्स में भी भैया पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं चंद्रशेखर भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया अपनी बात को रखें जी नमस्ते चंद्रशेखर भैया दीदी नमस्ते जी नमस्ते भैया ये यूएचबी का ये जो प्रातःकालीन ये नौवीं जो सत्र है उसमें मैं अपनी बात ये रखने के लिए जा रहा हूँ संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता के साथ सभी को नमस्ते मेरा नाम चंद्रशेखर है मैं भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बिहार राज्य की सुपौल जिला मुख्यालय में रहता हूँ परिवार में पत्नी दो बेटियां हैं दोनों बेटियां पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में एमए की छात्रा है मुझसे बड़े भाई सेवा निवृत्त शिक्षक हैं वे पंचकुला हरियाणा में रहते हैं। एमए करने के बाद हम दोनों पति पत्नी उन्नीस से संस्थागत रूप में समाज सेवा में हैं। अक्टूबर 2018 में जीवन विद्या के प्रथम शिविर में भाग लेने के उपरांत मैं लगातार यूएचवी के विषय वस्तु को जानने और जीने के लिए प्रयासरत हूं चार महीने के अंदर जो अभ्यास और एक और दो को लेकर को जो हमें समझ बनी है वो बात में रख रहा हूं अभ्यास एक स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने से अंतर नियोजन की गति तो बढ़ती जा रही है लेकिन अपनी कल्पनाशीलता में आशा विचार इच्छा के बहि नियोजन से अभी भी जो परेशान है वो होता रहता हूं लेकिन ये देख रहा हूं कि पहले जहां अपनी कल्पनाशीलता को लेकर के लंबे समय तक दुखी रहता था परेशान रहता था उसके अंतराल में काफी कमियां जो हैं ये आई हैं। और इस चार महीने के अंदर भी जो ये कमियां जो हैं ये अस्पष्टता देख रहा हो किसी विषय या समस्या को लेकर विचार के लंग, का लंबा जो है वो भी हमेशा बना रहता था इसमें भी जो कमियां हैं वो आई हैं अब सभी आशा विचार के भाव पर ध्यान जा रहा है अपने भाव पर ध्यान देने से सभी कठिनाइयों समस्याओं की जटिलताओं और उनके प्रभाव में बने रहने के बजाय अब जो है समाधान की ओर ये प्रेरित होता हूँ और इसका परिणाम ये स्पष्टतया देखता हूं कि स्वभाव गति में मेरा होना जो है ये ये होता है अब अपनी कल्पनाशीलता के सभी सहज या असहज स्थिति को देख पा रहा हूं लेकिन अभी भी मानवीय स्वभाव के विपरीत अंतर विरोध के लिए अपनी गहरी या मान्यता या संस्कार को जो है ये देख पाता हूं इस मान्यता पर अब तक के पूर्वाभ्यास के बावजूद पहले जहां स्वयं के दुखी या परेशान होने के लिए दूसरों को बाहर की परिस्थिति को पूर्णतया जिम्मेवार मानता था अब इस मान्यता में काफी कमियां जो हैं ये 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 आ रही हैं अब अप, अपने सुखी या दुखी होने के निर्णय के लिए स्वयं को जिम्मेदार स्वीकार कर स्वयं की समझ या योग्यता को देख पा रहा हूं और पहले जब से यूएचपी के विषय वस्तु से जुड़ा था तो ये ये काफी थी कि जब भी कोई समस्या आई या दुखी हुआ परेशान हुआ तो हमेशा दूसरों ये जो बाहर की परिस्थिति है उसी को देखता था जिम्मेदार ये ठहराता था उसमें भी जो है ये कमियां जो हैं ये आ रही हैं। अपनी सहज शक्ति पर ध्यान देते ही श्रृंग के विरोध अव्यवस्था और, और संघर्ष के भाव के बजाय संबंध व्यवस्था और सहस्त्रित्व भाव में श्रृंग को सुखी या संगीत में देखता हूं लेकिन अपने इस भाव विचार को दृष्टा से शुद्ध दृष्टा में होने की निरंतरता में होने के लिए भी जो है ये लगातार ये प्रयास कर रहा हूं एक और इस चार महीने में ये देखा हूं कि अपना जो अहं अहंकार है अहंता है या विशेष होने का जो भाव है इस और भी इस चार महीने के अंदर काफी जो है ये ध्यान गया है और अहंता कितना सक्षमता में है गहराई में है इस और ध्यान जो है ये गया है इसके कारण अहंता का जो भाव है इसमें भी जो ये, ये कमियां जो हैं ये आ रही हैं समझ को बरीय स्वीकारने से जल्दीबाजी में कोई जो निर्णय लेकर ये जो प्रतिक प्रतिक्रिया पूर्ण जो व्यवहार पहले काफी होता था उसमें भी जो कमियां हैं ये हो रही हैं पहले जहां स्वयं के द्वारा हुई किसी स्थिति परिस्थिति और अपने संस्कार के कारण हुई गलतियों या असफलताओं पर क्षोभ व निराशा होती थी अब अपनी इन कमियों को भी मूल्यांकित जो है ये ये कर पा रहा हूं और एक बात पर इस चार महीने में ये लगातार ये ध्यान जा रहा है कि मेरा जो शरीर है ये तो बिल्कुल ये नशरत्व है और जीवन जो है ये अमरत्व है अर्थात शरीर को लेकर के जो वरीय स्थान देकर के और इसको केंद्र बिंदु में रख करके जो जीना होता था और उसके साथ जो हमेशा जो आशा लगी रहती थी तो ये मान्यता भी जो है इस चार महीने में काफी गहराई में देखा हूं और इसके परिमार्जन में भी जो है ये इस चार महीने में ये ध्यान जो है ये गया है अभ्यास दो में देख रहा हूं कि अभ्यास दो में जीवन के द्वारा स्वयं और शरीर को देखने दोनों की अलग अलग वास्तविकता का होने की ओर ध्यान और बढ़ा है नौवे अभ्यास सत्र के आरंभिक दिनों में प्रत्येक दिन दो तीन बार इस ओर ध्यान दिया इसे इस संक्षिप्त में लिखने का भी जो है ये प्रयास जो है ये किया लेकिन ये लगातार जो है ये ये नहीं हो पाया एक और देखता हूं कि स्वयं और शरीर की की जो वास्तविकता है तो जब प्रत्येक दिन मैं योगासन करता हूं जब ये प्राणायाम करता हूं उस समय भी जीवन और शरीर के बीच हो रहे सूचनाओं के आदान प्रदान को गहराई में जो है इस बीच ध्यान गया है इस अभ्यास सत्र के दौरान संवेदना के रूप में कई महत्वपूर्ण सूचनाओं को पढ़कर कई प्रतिकूल संवेदना के समय स्वभाव गति की स्थिति की ओर भी ध्यान गया है एक घटना कहती कि नेपाल स्थित विराटनगर में एक प्रसिद्ध आंख का हॉस्पिटल है तो वहां उस हॉस्पिटल में हमें पहली बार जो है ये मेरा जो है ये जाना हुआ और वहां जो मैं गया था तो पत्नी के आंख का ऑपरेशन जो है ये ये हमें ये करवाना था तो एक जिस परिचित मित्र के साथ मैं योजना बनाया था वहां जाने की एक तो हमें उनका सहयोग नहीं मिला फिर वहां जाने पर हमें एक जानकारी मिली कि जो मैं रुपया साथ में लेकर के गया था भारतीय रुपये उस सभी रुपये का चलन भी जो है वो नहीं होता था और एक और ये समस्या पहले से भी हमें ये जानकारी थी कि भारतीय जो सीम है तो वो नेपाल के सीमा बॉर्डर के बाद जो है ये संपर्क जो है उससे नहीं नहीं हो पाता है तो सारी मेरे लिए ये प्रतिकूल स्थिति ही थी तो उसमें मैंने बिल्कुल जो मैं जिनसे बातचीत करता था तो ये संवेदना को मैं बिल्कुल गहराई में मैं जो है ये देखा और मेरे स्वयं का जो भाव विचार है उस पर जो प्रभाव पड़ रहा था और शरीर को लेकर के जो मुझ में ये अव्यवस्था हुई इसको भी मैं ध्यान पूर्वक जो है ये पढ़ा लेकिन तुरंत ये ये ध्यान गया थोड़े ही क्षण के बाद कि मैं तो बिल्कुल ये नेपाल में नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल संपूर्ण अस्तित्व के बीच जो है ये मैं खड़ा हूं और इस सहज भाव से मैं मेरा जो है मैं स्वभाव गति में आया और सारे काम मैं पूरे हमें समय तो ज्यादा लगे लेकिन सारा काम जो है वो सुगमता से मैं निष्पादित जो है ये कर पाया इस घटना से जीवन के द्वारा सूचनाओं को महत्वपूर्ण मानकर पढ़ने श्रंग के द्वारा निर्णय लेने की से परेशान होने और इससे शरीर की व्यवस्था पर पड़ने वाला जो प्रभाव है इसको मैं देखा। जीवन रूप शरीर का होश या बेहोश में किस तरह व्यवहार करता है इस और भी जो है ये गहराई में ध्यान जो है उस वक्त मेरा गया वाह परिस्थिति और संवेदना को जीवन पढ़कर उसे अपनी मान्यता या समझ के द्वारा अर्थ देकर अपने भाव विचार के साथ प्रतिक्रिया या अनुक्रिया रूप में जैसा कार्य व्यवहार का निर्वाह करता है उसे देखने का महत्वपूर्ण अवसर हमें नौवी सत्र में जो है मिला है इस अवसर से अपनी कल्पनाशीलता में स्वयं को शरीर मानकर संवेदना और सुविधा के मानवीय उपयोग सदुपयोग और प्रयोजन के अर्थ में और भी ध्यान जो है ये गया है श्रंग का जीवन होने की आश्वस्ति भी बढ़ती जा रही है श्रंग का चैतन्य स्वरूप होने की आश्वस्ति से शरीर के जीवन का साधन रूप में होने शरीर और जीवन दोनों का व्यापक के अस्तित्व में होने व्यापक या सुन के अस्तित्व में ही जीवन के द्वारा शरीर के माध्यम से सभी प्रतिक्रिया अनुक्रिया के साथ सभी कार्य व्यवहार आदि निष्पादन होने की ओर जो है ये ध्यान जो है ये जा रहा है लगातार इस विकास गति से सभी जड़ और चेतन इकाई के साथ व्यापक की वास्तविकता की ओर ध्यान बढ़ने से अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की ओर जो है ये प्रेरित ये हो रहा हूं और इस चार महीने में ये अखंड अखंडता पर जो है ये गहराई में जो ध्यान जो है ये गया है दोनों स्टेपों को स्वयं में जो देख पाया हूं इस चार महीने में दोनों अभ्यासों की ओर लगातार ध्यान देने से विषय वस्तु की स्पष्टता जो है ये और जो है ये बड़ी है चार महीने भी देखा हूं कि कुछ विषय वस्तु इस प्रकार से रखी जाती है प्रश्नोत्तर भी इस प्रकार से दिए जाते हैं तो कई समस्याओं का या जो है, उनका समाधान जो है ये, ये जो है ये हो, हो, होते देखता हूं। अपने परावर्तन और प्रत्यावर्तन अधिकांश स्थिति गति को भी देखने का जो विकास है इस बीच में हुआ है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने से अभी तक बाहर ही ज्यादा ध्यान देने के जीवनाभ्यास के भाव विचार व्यवहार को देख पा रहा हूं इस अभ्यास से प्रत्यावर्तन के आधार पर परावर्तन की ओर भी जो है ये, ये प्रेरित हो रहा इससे अपनी सहज और सहज और भाव के सुखी या दुखी होने के निर्णय को देखकर अपनी समस्या या मानसिकता की ओर भी जो है ये ध्यान ये बढ़ रहा है लगातार इस प्रयास से मान्यता या संस्कार आधारित अपने विरोध अव्यवस्था और, और संघर्ष के निर्णय और व्यवहार में बदलाव का अनुभव जो है इस चार महीने में किया हूं इससे यह भी देखा हूं परिणाम स्वरूप की समझ आधारित संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के लिए संघ को परिमार्जन की ओर प्रेरित जो है ये हो, होता जा रहा हूं शत्र के दौरान अपने मोहल्ला में उत्पन्न की की हुई एक कठिन परिस्थिति में भी विरोध के बजाय संबंध के भाव में बने रहने से उसके सकारात्मक जो परिणाम है उसको भी स्पष्टता जो है ये देखा हूं क्योंकि तो जो जिस तरह से एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी यदि उसमें थोड़ा भी यदि पूर्व पूर्व की तरह उतावलापन होता तो कोई कोई बड़ी घटना जो है वो घट सकती थी लेकिन स्वभाव गति में होने से वो किस तरह से उस वो जो है उसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं इसको भी जो जो है 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 इस ओर ध्यान जो है, ये ये गया अभ्यास दो के सभी स्टेबों पर लगातार सूचना की स्पष्टता और जीवन और शरीर की अलग अलग वास्तविकता की ओर ध्यान देने से शरीर केंद्रित सुविधा और संवेदना को लेकर होने वाले प्रभाव और दबाव में भी जो कमियां हैं वो ये आ रही हैं लेकिन अभी भी संस्कार या मान्यता और जीने का जो अभ्यास है उसके कारण कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जो हैं ये हो रही है और जब ये प्रतिक्रियाएं होती हैं तो स्वतंत्रता की जो भाव विचार और व्यवहार है उस गलतियों को भी जो है ये देख पा रहा हो अभ्यास दो के सातवें स्तर पर ध्यान जाने से कि मैं जीवन हूं और जीवन और शरीर का जो है ये व्यापक में सह अस्तित्व है शरीर जीवन के एक सामयिक साधन के रूप में रहने को दृष्टा भाव में देखने से स्वतंत्रता पूर्वक स्वभाव गति में जो है ये होता हूं सुख स्वभाव है या प्रभाव नौमें सत्र के दौरान सुख स्वभाव है या प्रभाव इसकी जांच परख करने के कई महत्वपूर्ण अवसर जो है हमें मिले हैं मानव के सुख के मूल स्रोत बाहर नहीं भीतर अर्थात जीवन में है इसे संघ के स्तर पर देखने और इसको लेकर के जो भारतीय ज्ञान ज्ञान परंपरा में जो प्रकाश डाले गए हैं इस ओर भी जो है ये ध्यान दिए गया है और ये शरीर या जड़ की जो नश्वरता है और चैतन्य की जो अमरता है और इसके कारण से इस ध्यान के जाने से व्यापक में होने के ज्ञान विज्ञान विवेक को जो है ये दोनों अभ्यासों के द्वारा निरंतर जो है ये ध्यान देने से सुख का जो मूल स्वरूप है और उसके वास्तविक शोध जो है ये मेरा जो स्वभाव है उसका आधार आधार मेरा स्वभाव ही है इस ओर भी जो है ये ध्यान गया है और सुख स्वभाव है स्वभाव नहीं है इस ओर आश्वस्ति जो है ये इस चार महीने में बड़ी है शरीर सुविधा संवेदना मात्र को सुख का आधार मानने की गहरी मान्यता इस मान्यता के आधार पर जीवन लक्ष्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तो वर्षों की शिक्षा कई संघर्ष समाज सेवा से देख जो है ये, ये पा रहा हूं इससे यह भी देख रहा हूं कि वही नियोजन की ये सभी जो प्रक्रियाएं मेरे द्वारा हुई तो स्वभाव गति में होने में कितना ज्यादा ये रुकावट डाल रहा है दबाव डाल रहा है अभी भी इस और भी जो है ये ध्यान जो जो है है है। इस चार महीने के अंदर भी जो है ये गया है। अब सभी बाह प्रतिकूल या अनुकूल जो जो परिस्थिति है फिर प्रतिक्रिया किसी के द्वारा द्वेषपूर्ण व्यवहार के समय भी सजग रहने भाव में अस्थित होने का अभ्यास भी जो है ये पड़ा है पहले क्या होता था कि कोई यदि अंतरराष्ट्र इस तरह की जिस तरह अभी ही चल रहे युद्ध तो उसको लेकर के या भारत में यदि राष्ट्र कोई इस तरह की विपरीत परिस्थिति हुई उसको लेकर के या यदि स्थानीय मुद्दे भी इस तरह के होते थे या स्वयं से जुड़ी जो घटनाएं होती थी उनको लेकर के मैं काफी जो, जो परेशान है वो होता था विचार में तो इतना ज्यादा परेशान काफी होता था तो उस और भी जो ध्यान जो है वो गया है और इसके कारण उसके कारण जो परेशान होने की जो में काफी कमियां जो हैं ये आई है संग की अहंता की गहराई में उतरकर देखने की दृष्टि जा रही है किसी व्यक्ति दर्शन विचार मार्ग आदि के प्रति श्रेष्ठता या न्यक्षता के भाव को भी संपूर्णता के अर्थ में देखने और स्वभाव गति में होने का विकास जो है ये हुआ है इस के अंदर। तो कि ये श्रेष्ठता और निश्चता का स्तर जो है ये कहाँ कहाँ है और ये मैं कैसे अपनी अहंगता जो है या विशेष विशेष होने का जो भाव है ये किस प्रकार से छूता है इस इस बीच में जो है इसी गहराई में देख जो है ये पाया हूं इस बीच में एक घटना और घटी कि मेरी जो छोटी चो, बेटी है तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में जहां वो पढ़ती है तो संस्कृत स्नातक प्रतिष्ठा में प्रथम स्थान से उसका जो प्राप्तांक है वो उन्हें आया है लेकिन इसके बावजूद जो द्वितीय जो स्थान जो प्राप्तांक जिस बच्चे को था उसे स्वर्ण ये 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 पदक जो है वो मिला दूसरे स्थान को जब बेटी के द्वारा हमें सूचना मिली तो बिल्कुल मैं स्वभाव गति में ही रहकर जो है ये बेटी को मैंने परामर्श दिया कि सब जो है वो अपने ही हैं तो लेकिन निश्चित है कि तुम्हारी जो अपेक्षा है मांग है उसे लेकिन तुम कि भी उतावलेपन में ना आओ अपने अपना जो स्वभाव है उसको ना बिगाड़ो और सद व्यवहार पूर्वक जो है ये जो विश्वविद्यालय के समक्ष अपनी अपेक्षा को जो है ये रख इस स्थिति में देखा कि मेरा भाव बिल्कुल जो है विरोध का भाव किसी के प्रति मेरा जो है ये आया नहीं स्वभाव गति में ही श्रृंग परिवार समाज प्रकृति के साथ जिम्मेवारी पूर्वक कार्य व्यवहार होने की सहजता महसूस जो है ये ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है स्वभाव गति में ही स्व तो अन्वेषण की प्रक्रिया के साथ स्वत की स्थिति जो है ये श्रंग में देख रहा हूं। श्रंग में रहा को स्वभाव के रूप देखना और उसे सुनिश्चित करने के जो कार्यक्रम है सुविधा से महत्वपूर्ण संबंध और दोनों से ज्यादा वरीय समझ की स्पष्टता से शरीर सुविधा और संवेदना को लेकर जीने के तरीके में बदलाव आने के साथ सुखी होने के मान्यता में कमी जो है ये आ रही है अब सभी स्तरों के साथ जीने में संबंध व्यवस्था और शास्त्रित्व के भाव का ध्यान जो है ये जा रहा है और सभी जो कार्यक्रम है अपने स्तर के जीने पर इस पर तो ध्यान लगा ही रहता है और बल्कि मेरी जो वृत्ति रही है अब तक की वो सेवा कार्य की रही है तो सेवा योजना भी स्वभाव गति पर ही जो है ये ये बनी रहे इस और बार बार ध्यान जो है ये जा रहा है अब अपने प्रिय हित लाभ के आधार पर गहरी मान्यता के साथ जीने के तरीके और सेवा योजना के क्रियान्वयन के प्रति सजगता जो है इस बीच भी काफी जो है ये बड़ी है अब इस प्रकार के कोई निर्णय और सेवा प्रकल्प की स्वीकृति नहीं है जिसका वर्तमान या भविष्य में भी उसका परिणाम जो है वो सह अस्तित्व के वृद्ध हो अब इस संपूर्णता के भाव के साथ स्वंग के स्तर पर समाधान परिवार के स्तर पर समृद्धि समाज के स्तर पर अवह और प्रकृति के स्तर पर अस्तित्व के आधार पर ही कोई निर्णय जो है उस ओर मेरा ध्यान जो है ये ये गया है अब स्वंग के स्तर पर सभी स्वतंत्रता को फैलकर देख रहा हूं शरीर सुविधा संवेदना को लेकर भ्रमित दृष्टि के प्रभाव दबावों को जांच परख कर श्रंग के सुखी होने के लिए समझ आधारित अपने आहार व्यहार कार्य व्यवहार और सामाजिक भागीदारी के लिए जो सजगता है वो भी जो है ये बढ़ती जा रही है साधन नहीं समझ ही सुखी होने का आधार है इसकी आश्वस्ति भी जो है ये बड़ी है इस चार महीने के अंदर भी और इसका जो परिणाम है कि स्व शुभ से शुभ की निष्ठा जो है यह भी बड़ी है और इसके कारण समर्पण का जो भाव है यह भी इसी को लेकर के जो है यह बढ़ता जा रहा है प्रतिबद्धता जो कमिटमेंट है UH, की विषय वस्तु और संपूर्ण टीम का सबसे बड़ा मैं उपकार देख रहा हूं कि अपने जीवन लक्ष्य और उन्नीस सौ चौरानवे में लिए गए समाज सेवा के मूल लक्ष्य सत्य प्रेम करुणा के मूल स्वरूप की अस्पष्टता जो है ये हमें जो है ये बड़ी है सबसे ज्यादा मैं उपकार यूएसबी टीम का देख रहा हूं ये और इस अस्पष्टता से मेरी सजगता में भी जो है वो स्वंग के भी जीने में और समाज सेने में मैं इस अस्पष्टता से सजगता में जो है ये काफी गति जो है ये हुई है अब जो है अपने तन धन का उपयोग सदुपयोग प्रयोजन के अर्थ में अर्थात शास्त्र व्यवस्था संबंध के लिए ही करने की योजना है लेकिन एक समस्या जो अपने स्तर पर देख रहा हूं कि समाज सेवा के जो अभी तक के जो हमारे अभ्यास रहे हैं या तरीके रही है पूरी प्रक्रिया जो रही है तो इसमें जो आसित जो बेतिया जो प्रबंधन है इसके ये काफी रहा है तो इसको व्यवस्थित करने में हमें जो है सेवा जो प्रकल्प है इसको क्रियान्वित करने में हमें काफी कठिनाइयां जो हैं ये ये आ रही हैं तो मैं चाहूंगा कि जबकि दो ये मेरा प्रकल्प जो है ये स्पष्ट अस्पष्टता है कि मानवीय शिक्षा संस्कार और ये समग्र स्वास्थ्य पूरिकर में अपने क्षेत्र में ये अभी भी और ये मैं प्रयासरत हूँ लेकिन एक व्यवस्थित रूप में मैं इसे कर जो है ये नहीं पा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा सबों का परामर्श जो है वो हमें अपेक्षित है अंत में टीम के के साथ आप सभी को पुनः नमन तो अभी मैं कुमार भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया चंद्रशेखर भैया भैया जी सभी को पुनः नमस्ते चंद्रशेखर भैया ने बहुत विस्तार पूर्वक पूरी बात रखी कैसे कैसे भिन्न भिन्न घटनाओं में उनका ध्यान गया और कैसे इस पूरी वस्तु के आधार पर वो होते जा रहे हैं। अपने भाव को भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनको गति भी दिखाई दे रही है थोड़ा तो सा पूछना चाहूंगा चंद्रशेखर भैया से कि अभी उनकी क्या भागीदारी हो रही है अभी प्रेजेंट में ये भैया कुछ जो स्थानीय स्तर पर और गांव के जो कुछ विद्यालय हैं तो इनके साथ जो है यूएचवी के जो विषय वस्तु है इसको मैं रखने का जो है ये ये प्रयास में कर रहा हूँ लेकिन जैसा मैंने अभी शेयरिंग में भी कहा कि एक व्यवस्थित रूप में जो है इसे मैं एक शक्ल जो है ये नहीं जो है ये दे पा रहा हूं लेकिन कुछ विद्यालय हैं कुछ गांव हैं उनके साथ तो निरंतर मेरा प्रयास जो है ये चल रहा है और वही है कि अभी तक, अभी तक जो भैया काम काम करने का जो तरीका रहा है तो उसमें वो उसको लेकर के जो है ये, ये रही ज़्यादा जी जी तो पिछली बार भी आपसे बात हुई थी कि अगर हम लोग गांव में कुछ ऐसा प्लान करें कुछ वर्कशॉप या कुछ मीटिंग जिससे थोड़े और लोग जुड़े और एक टीम आपकी बने तो थोड़ा सा क्या हो रहा है गांव में टीम नहीं बन पा रही अभी है ना तो था था। तो पहले थोड़ा सा आपने बताया भी भी था कि बेटियों के पढ़ाई को भी आपकी थोड़ी रही। आ, और उसके साथ थोड़ी सी प्रचंड में जो भागीदारी है मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अगर कुछ आप भागीदारी कर पाए तो शिक्षा को लेकर वो भी एक उपयोगी तरीका हो सकता है और प्रेरणा वाला भाग मुझे ज्यादा दिखाई दिया आपके शेयरिंग में क्योंकि तो पहले आप जिस तरह से सोचते थे और अब जिस तरह सोचते हैं उसमें जो परिवर्तन आया उससे प्रेरणा काफी मिलती है और आपने सार सत्र अटेंड किए हैं पुस्तकें पढ़ी हैं प्रस्ताव को बहुत विस्तार से सुना है तो बहुत सारे चीजें ध्यान में आ गई हैं इसमें थोड़ा सा और जो मुझे जोड़ने के लायक बात लगती है वो ये है कि अभ्यास एक और दो को बिंदुओं को और बारीकी से हम ऑब्जर्व करें जैसे मैं और शरीर का विचार रूप में स्पष्ट होना एक बात है

जो एक वर्कशॉप हुआ था गाँव में ही में में हुआ था, सुपाल में हुआ, था, था, हाँ सुपाल में हुआ था था समझने के लिए जी 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 वो थोड़ा देखिएगा कि उसके बावजूद क्यों नहीं टीम बन पा रही या लोग और नहीं जुड़ पा रहे तो उसको भी थोड़ा सा एक बार ध्यान दे है की कैसे तो जैसे स्वराज वाला काम आपके पे अच्छे से हो सकता है भैया हाँ भैया जी मोती तो पास में ही है कभी उनसे अगर आपकी बात हो उनको वापस एक बार आप निमंत्रण दे सकते हैं एक दो दिन के लिए समय दे देंगे भैया तो तो कुछ और काम आगे बढ़ेगा जी तो मुझे एक लग रहा है कि जैसे आपकी जो एक सक्रिय भागीदारी हो सकती है वो थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है और अभ्यास के बिंदुओं पे भी और थोड़ा बारीकी से ध्यान दिया है परन्तु इस उम्र में आप जिस तरह से लगे हुए हैं वो प्रशंसनीय है प्रशंस नहीं है जी लगे हुए हैं बढ़िया भैया है, बहुत बढ़िया